हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि मैं किस तरीके से अपने आर्ट वीडियो शूट करता हूँ, मैं किस तरीके से ओवरहेड वीडियो शूट करता हूँ, मैं कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ, किस तरीके से पहले मैं कैसे करता था और अभी मैं कैसे करता हूँ, आपको कंप्लीट बताऊँगा। और जिस तरीके से मैं अभी करता हूँ मैं आपको वो भी बता दूंगा कि किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं ताकि आपको भी आसानी हो ओवरहेड वीडियो शूट करने में। और साइड एंगल से भी मैं एक मिनी ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ, वो भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से मैं शूट करता हूँ। तो कंप्लीट आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैं अपने आर्ट वाले वीडियो शूट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात ओवरहेड वीडियो की, तो ये आपको पीछे मेरा ट्राइपॉड दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ये तो नॉर्मल ट्राइपॉड है जो लोग मोस्टली टिकटॉक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो 300-350 तक मिल जाता है लोकल मार्केट में, वो वाला ट्राइपॉड है। लेकिन मैंने इसे थोड़ा कस्टम किया है ताकि हम ओवरहेड शूट कर सकें। तो आपको सामने से दिखाता हूँ किस तरीके से है। सो ये रहा अपना जो ट्राइपॉड है, तो इस तरीके से ये स्टैंड है, ये तो जानते हैं आप क्या है, ये सब होल्ड करने मतलब एंगल वगैरह चेंज करने के लिए। और मैंने इस पर ये जो स्टिक है ये लगाया है स्क्रू कस के, तो ये बस स्टिक है और इस तरीके से यहाँ पर आता है। यहाँ पर मैं अपना वीडियो मतलब फ़ोन वगैरह रखता हूँ और जो नीचे जो भी पेपर वगैरह है वो इससे दिखता है। सो इस तरीके से हम मैंने इसे बनाया है। और ख़ास बात ये है कि अगर हम अभी तो इस टेबल के ऊपर मैं रखा हूँ, अगर मुझे सिर्फ एक टेबल मिल गया इतना छोटा सा और मुझे ये रखने के लिए भी जगह नहीं है, तो मैं इसे इजीली यहाँ से इसका हाइट बढ़ा सकता हूँ, उसके बाद मैं इसे नॉर्मल फ्लोर पे रख के ऊपर वीडियो भी शूट कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, किसी भी टेबल में आप रख सकते हो। मैं आपको एक बार रख के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अदर कोई भी स्टूल वगैरह हो उसमें भी आप इसे प्रॉपर इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो अभी तो बताता हूँ कि मैं इसे किस तरीके से बनाया हूँ। तो ये तो नॉर्मल ट्राइपॉड है, आप देखिए किस तरीके से होता है, और यहाँ से खुलता है, यहाँ से भी होता है, ये इस तरीके से ओपन होता है। तो यहाँ पे मेन काम हुआ है इसका, जो तो यहाँ पे जो स्क्रू है ये देखिए, यहाँ से स्क्रू लगता है और यहाँ से मैंने टाइट करके ये स्टिक लगा लिया है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है इस ट्राइपॉड में, यहाँ से ये वाला स्क्रू लगता है, ये देखिए ये जो स्क्रू जैसे जो भी बना हुआ है, और इसके जो इस साइड है ये वाला जो माउंट होता है मोबाइल का, ये साइड होल्डर लगता है। तो ये आप पहचान ही गए होंगे कि किस तरीके से हमें नॉर्मल ट्राइपॉड में ये मिलता है, इस तरीके का रहता है जिससे हम अपने वीडियोस वगैरह शूट करते हैं। तो बस मैं इसे निकाल कर इन दोनों टूल को मतलब ये स्क्रू से इस तरीके से लगा हुआ था, तो मैंने बस इसे निकाला और एक स्टिक लिया और उसे होल्ड किया और एक स्क्रू की मदद से यहाँ पर इसे लगा दिया है, देखिए। तो ये काफ़ी अच्छा सा हमारा ट्राइपॉड तैयार हो गया। और कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे फिर से ये यूज़ करना है तो मैं बिल्कुल उसे निकाल सकता हूँ और प्रॉपर यूज़ कर सकता हूँ, कोई चिपकाने वाला काम नहीं है कि परमानेंट हो गया या फिर हमारा ये पूरा ट्राइपॉड वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे फिर से दोबारा यूज़ कर सकते हो। एक बार मैं आपको इसको स्टूल में रख के बताता हूँ और एक और सीक्रेट बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इस तरीके का ट्राइपॉड बनाते हो तो ये सीक्रेट भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो ये अगर आप रखेंगे तो आप इसे अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एक बार जैसे मेरे पास अगर इस तरीके का स्टूल है, जैसे मेरे पास ये टेबल अभी अवेलेबल नहीं है, मैं इस पर वर्क नहीं कर पा रहा, और मेरे पास ये टूल है बस A4 साइज़ का, इसमें पेपर आ जाएगा और मैं अपना पूरा काम इसमें कर सकता हूँ, तो प्रॉपर हम इस पर सेटअप लगा सकते हैं। मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको आराम से रख सकते हैं, यहाँ पर फुल अपने को वर्किंग एरिया मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बार रख के दिखाता हूँ, तो ये हमारा स्टूल हो गया, यहाँ पे हमारा ट्राइपॉड आएगा, तो एक बार मैं रखता हूँ इसे पहले। तो सो ये देखिए गाइज, ये हमारा स्टूल है और मैंने स्टैंड से इस तरीके से ओपन कर लिया है, और अब मैं यहाँ पे प्रॉपर आराम से बिल्कुल यहाँ पर मोबाइल रख सकता हूँ, और जिससे नीचे का एंगल आराम से शूट होगा, बिल्कुल आराम से हम यहाँ पर भी शूट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे कहीं पर भी आराम से इजिली यूज़ कर सकते हैं। सो ये मैंने ऐसे ट्राइपॉड रखा है, बिल्कुल हाइट एडजस्ट कर लिया है, और आप चाहे तो यहाँ से और इसका हाइट बढ़ा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी हाइट हो आपको मिनिमम इसका हाइट मिल जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर बस मोबाइल रखना है, जो कि जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, मैं तो उसी प्रॉपर उसी से शूट करता हूँ, बस आपको मोबाइल रखना है। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा है, आपका मोबाइल इसमें आराम से आ जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि अभी भी आपका फ़ोन गिर सकता है तो आप उसमें जो रबर बैंड होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा चेयर हो गया, ये टेबल हो गया, इसमें आप आराम से ड्राइंग कर सकते हैं, और ये आप बिल्कुल आराम से यहाँ पे ओवरहेड आपका वीडियो भी शूट हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी है। अब इसका मैं एक मेन चीज़ बताता हूँ जो कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, अब सबसे मेन चीज़ बताता हूँ जिसको जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इस तरीके का कस्टम ट्राइपॉड यूज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो
अगर आप ऐसे डायरेक्ट यूज करेंगे तो डेफिनेटली इस ट्राइपॉड का वेट काफी ज्यादा हल्का है, बहुत हल्का है ये। तो इस साइड आप अगर मोबाइल रखते हैं तो आपका मोबाइल सीधा गिर जाएगा और ये ट्राइपॉड भी पूरा इस तरीके से लुढ़क जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है काफी सस्ता वाला ट्राइपॉड है, तो इतना इसे कैपेसिटी नहीं रहता कि ये मोबाइल के वेट को वो भी इस तरीके से स्टिक पे लगा के हम इसे प्रॉपर यूज कर सके। तो उसके लिए क्या करना है और मैं क्या करता हूँ वो आपको बताता हूँ। सो ये हमारा इस तरीके से हम यहाँ पे आर्टवर्क रखे, और अगर मैं यहाँ पर फोन रखता हूँ तो देखना यहाँ पर गिरने लगे, तो ट्राइपॉड पूरा झुक रहा है। क्या है, इसका वेट काफी ज्यादा होता है तो ट्राइपॉड नहीं झेल सकते इसका वेट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये देखो मेरे पास ये लोहे का है, पता नहीं ये क्या है, आप चाहे तो कोई भी वेट हो, बस हेवी हो जो कि ऑलमोस्ट मोबाइल के बराबर हो, चाहे तो आप कोई पत्थर वगैरह भी रख सकते हैं। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर इसको रखना है, और ये तो राउंड है तो ये जाहिर सी बात है ये गिर जाएगा। तो आप इसको अपने हिसाब से रखिए कि किस तरीके से रखते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ रखता हूँ, और ये एक सिंपल सा रबर बैंड है, बस हल्के से लगा देता हूँ इसे इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से लगा देता हूँ तो ये गिरता भी नहीं है, मतलब आसानी से आप कर सकते हैं, हमें कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है, तो ये गिरने के चांसेस भी नहीं है। उसके बाद बस आपको यहाँ पर मोबाइल रखना है, देखिए इस तरीके से आपको बस मोबाइल रखना है। ये वाला फ़ोन है जिससे मैं फोटोज़ वगैरह देखता हूँ। तो अभी एक चीज़ और नोटिस करना, ये देखिए मैंने इसे रख लिया लेकिन ये थोड़ा सा बैंड हो गया है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा जुगाड़ लगाता हूँ कि यहाँ पे जो नट है यहाँ पे मैं ये तीन लकड़ी है ये छोटा छोटा या फिर कोई भी पेपर का टुकड़ा वो लगाते हैं वो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर फंसा दिया ये देखिए बस, और ताकि ये और बैंड ना हो, इधर वेट है और इधर मोबाइल, काफ़ी अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि फ्रेंड कि मैं यहाँ पर मोबाइल को हटा दिया तो ये पूरा ट्राइपॉड गिर जाएगा, ऐसा नहीं। मैं इसे यहाँ पर बिल्कुल आराम से हटाया, ये बिल्कुल स्टेबल रहता है, ऐसा नहीं कि हमारा जो वेट है काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल मोबाइल के लिए और भी ज़्यादा बेटर है। देखिए यहाँ पर मैं मोबाइल रखा, आराम से कोई नहीं गिरेगा ये, आप इसे हटा भी देंगे तो ऐसा नहीं कि ट्राइपॉड आपका अचानक से गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम से यहाँ पर शूट कर सकते हैं। मैं करीब 200 वीडियो शूट कर चुका हूँ इस ट्राइपॉड से, तो जाहिर सी बात है जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ, ये हमारा ट्राइपॉड, इस तरीके से हमने यहाँ पर बैलेंस किया, मोबाइल रखा और यहाँ पे हम अपना आर्ट पर शूट करते हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल आराम से वर्क कीजिए, आपको फुल अपने आर्ट मटेरियल रखने के लिए यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। तो यही है मेरा ओवरहेड वीडियो शूट करने का तरीका। इसके पहले मैं क्या करता था, मैं इस तरीके का ट्राइपॉड यूज़ करता था जो आप पहचान गए हो, किस तरीके से इसे टेबल पर लगाना है यहाँ पर इस तरीके से और मोबाइल रखिए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बकवास है, फुल बकवास है। मतलब एक तो ये अच्छे से सेट नहीं होता प्रॉपर, ऊपर से जब आप इसमें मोबाइल रखोगे तो ये पूरा झुक जाता है, ऊपर से आप जैसे तैसे इसे सेट भी करोगे तो भी ये मोबाइल इतना हिलता है कि आप इसे कुछ भी अच्छे से शूट नहीं कर सकते। तो इससे मैं भी कुछ काम चलाता था कभी कभी थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाकर, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है। उससे अच्छा तो यही है आपका परमानेंट हो जाएगा बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये 300 का है, 300 में आपको इजीली मिल जाएगा, आप बार्गेनिंग करेंगे तो आराम से आपको लोकल मार्केट में ये 300 में मिल जाएगा। और ये नॉर्मल सा स्टिक है और एक स्क्रू है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसे परचेज करने में, या फिर ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि आपके लोकल मार्केट में या फिर आपके एरिया में ना मिले। तो ये काफ़ी अच्छा लगा कि इस तरीके से आप प्रॉपर शूट कर सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इस तरीके का वीडियो बनाऊं ताकि आपको भी पता चल सके कि आप भी इजीली ओवरहेड वीडियो शूट कर सकते हैं बिल्कुल कम रेट में, और आप चाहे तो इसको निकाल के अपना जो भी नॉर्मल वीडियो बनाना है वो भी बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड, जो कि मैं सामने से शूट करता था, बिल्कुल सामने एंगल से, जो साइड एंगल से मैं जो यूज़ करता था ट्राइपॉड, मिनी ट्राइपॉड, तो वो मैं दिखाता हूँ कि वो किस तरीके का है। सो गाइस, ये मेरा मिनी ट्राइपॉड है जो कि मैंने इसे 400 में बाय किया था, ऊपर से ये जो माउंट है ये मैंने बाय किया था 600 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब साइड एंगल से मैं इस तरीके से थोड़ा डाउन करता हूँ इसे बस कैमरे के एंगल को, और सामने से मैं शूट कर लेता हूँ, या फिर मेरे को इस तरीके से इस एंगल पर भी रखना है तो मैं इस एंगल पर भी यहाँ पे इस तरीके से आराम से शूट कर लेता हूँ। तो ये तो ज़रूरी नहीं फ्रेंड, मेन आर्ट वीडियो के लिए ज़रूरी है ये वाला ट्राइपॉड, तो इसे मैं कभी कभी टाइम लैप्स वीडियो में यूज़ करता हूँ, अदरवाइज मैं इसे यूज़ नहीं करता। मेन ये मेरा जो ब्लॉगिंग का सेटअप है, मैं इसे इस तरीके से होल्ड करता हूँ,
और ऊपर मैं माइक लगा लेता हूँ, जो कि अभी मैं माइक पकड़ा हुआ हूँ। तो आपको कभी किसी वीडियो में अपना ब्लॉगिंग सेटअप भी दिखाऊंगा, बस आप कमेंट कर देना। तो मैं देखो काफ़ी सिंपल सा है, बिल्कुल आसानी से हाथ में आ जाता है, और इसका हाइट भी बढ़ा सकते हैं। मैं किसी वीडियो पे आपको इसे प्रॉपर दिखाऊंगा। तो इस तरीके से मैं साइड एंगल कभी कभी शूट कर लेता हूँ। और गाइस अभी तो मैं ये कैमरा मैं हाथ में ब्लॉगिंग की तरह शूट कर रहा हूँ हाथ में पकड़ के, लेकिन जब मुझे स्टेबल ऐसे रखना होता है, जबकि मैं सामने से शूट करता हूँ जो आपने आर्ट वाली वीडियो को, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। ये ट्राईपॉड मैंने छोटा सा बनाया है, ये एक्चुअल में सेल्फी स्टिक है। ये देखिए, ये सेल्फी स्टिक है जो कि मैंने बॉटल पर रेत से इसे लगा दिया है। बस बॉटल में रेत डाला और इसे इस तरीके से सीधा बिल्कुल लगा दिया, और मैं इसे बिल्कुल आराम से यूज़ करता हूँ। बिल्कुल यहाँ पे आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल सा है, इसको तो आप इजीली बना लेंगे। बस सेल्फी स्टिक को बस सीधा लगाना है, आप चाहे तो रेत में लगाओ या फिर किसी और तरीके से, मिट्टी विट्टी जैसा भी आपको जुगाड़ होता है आपसे, उस तरीके से आप बनाओ इसे। और देखिए यही पूरा मेरा कस्टम वाला ही है, तो ये भी मैं कई टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और ये मैंने भी यूज़ कर लिया है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये ट्राइपॉड अच्छा लगा होगा। मैं तो इसी तरीके से शूट कर सकता हूँ, और भी काफ़ी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि और किस किस तरीके से आप प्रॉपर ओवरहेड वीडियो शूट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं जिस तरीके से यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, आपको भी वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, जैसा भी लगे आप कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। और भी कमेंट आए थे जो जिस पर वीडियो हमें बनाना है, जैसे एजल हो गया मेरा, जो पेंटिंग के लिए मैं जो ट्राईपॉड यूज़ करता हूँ उस पर भी मुझे वीडियो बनाना है, तो वो भी वीडियो काफ़ी जल्दी आ जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के ट्यूटोरियल वीडियो लाते रहता हूँ। और हाँ फ्रेंड, आपने जो आर्ट वाले वीडियो पर, आर्ट मटेरियल वाले वीडियो पर जो प्यार दिखाया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी प्यारा है। सो थैंक यू सो मच आप सभी को कि इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं इसी तरीके के ट्यूटोरियल वीडियो लाते रहूँगा। आप जो कमेंट करेंगे उसी पर कंटिन्यू वीडियो बनाते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।